गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। होप यू विल बी फाइन एंड हेल्दी एट योर होम। लेट्स कंटिन्यू चैप्टर फोर्थ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, यानी कि चुनाव राजनीति। जो चैप्टर है ये हमारा कंटिन्यू चला हुआ है। दो वीडियोस हम लोग पहले भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। एंड द नेक्स्ट कंटेंट इज नाउ वी हैव टू बी स्टार्टिंग व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, यानी कि चुनाव में हम किस सिस्टम को फॉलो करते हैं इंडिया के अंदर। वो कौन सी व्यवस्थाएं हैं जो चुनाव के दौरान इंडिया के अंदर एडॉप्ट की जाती है। लेट्स कंटिन्यू। व्हाट आर द सिस्टम ऑफ इलेक्शन, यानी कि चुनाव में क्या क्या व्यवस्थाएं हम लोग अपनाते हैं, वो कौन कौन सी। जैसा कि आप लोग याद रखें सीक्वेंस में, कौन कौन सी वो सिस्टम है जो इलेक्शन के दौरान फॉलो किए जाते हैं। इन लास्ट वीडियोस यू हैव स्टडी अबाउट इलेक्टोरल कॉन्सिक्वेंसेस इन डिटेल में आप लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, जैसे हम बात करें यहाँ पर लोकसभा में 543 जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो डिक्लेयर की जाती है, यानी कि ज्योग्राफिकल जो एरिया होता है उसका डिवीजन किया जाता है कंप्लीट रूप से। इसके बारे में हम लास्ट वीडियोज में कंप्लीट डिस्कशन कर चुके हैं। एंड द सेकेंड स्टेप इज वोटर लिस्ट, यानी कि प्रिपेयर ऑफ वोटर लिस्ट। आप लोग जानते हैं जो मतदाता सूची होती है हमारी, उसको प्रिपेयर करने का काम किया जाता है। अब वोटर लिस्ट होती क्या है, What is the another name of voter list? Voter list क्या होती है? The list of those who are eligible to vote. कहते हैं कि वो list जो उन लोगों की list जो वोट डालने के योग्य होते हैं, जो eligible होते हैं। इंडिया में किसे eligible माना जाता है? A person who become 18 year or more who has given right to vote. यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो 18 साल का complete हो जाता है या 18 साल से ज्यादा का हो जाता है, उसे इंडिया में वोट डालने का अधिकार प्रदान किया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं वोटर लिस्ट। यानी कि ऐसे कैंडिडेट जो एलिजिबल होते हैं वोट डालने के लिए, उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर की जाती है, दैट इज कॉल्ड वोटर लिस्ट, उसे हम लोग वोटर लिस्ट कहते हैं। द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोल रोल, इसे हम लोग इलेक्ट्रोल रोल के नाम से भी जानते हैं। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट स्टूडेंट्स, व्हाट इज द अनदर नेम और व्हाट इज द नेम ऑफ वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट का जो अनदर नेम है क्या है, वो इलेक्ट्रोल रोल। यदि हम लोग पॉलिटिक्स की लैंग्वेज में बात करें तो वोटर लिस्ट को हम लोग इलेक्ट्रोल रोल के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोल रोल कहा जाता है, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। तो सेकंड जो स्टेप रहता है हमारे चुनाव में, जो चुनाव प्रक्रिया होती है उसका जो सेकंड चरण होता है वो होता है वोटर लिस्ट प्रिपेयर करना। सबसे पहले जो एलिजिबल कैंडिडेट होते हैं उनकी वोटर लिस्ट प्रिपेयर की जाती है, प्रिपेयर किया जाता है, इसको अपडेट किया जाता है। कुछ वोटर्स ऐसे होते हैं जिनका नाम कट कर दिया जाता है वोटर लिस्ट से, कुछ की डेथ हो जाती है, तो ऐसे जो वोटर्स होते हैं उनको लिस्ट से हटा दिया जाता है। कुछ वोटर ऐसे होते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो हमारे जनरल इलेक्शन होते हैं वो हर 5 साल के बाद होते हैं, तो 5 साल में कुछ वोटर ऐसे होते हैं जो एलिजिबल हो जाते हैं, यानी कि दे बिकम मोर और 18 ईयर, यानी वो 18 ईयर या इससे ज्यादा के हो जाते हैं, तो उनको वोटर लिस्ट में अपडेट कर दिया जाता है। तो सेकंड जो स्टेप रहेगा हमारे चुनाव में वो होता है वोटर लिस्ट को प्रिपेयर करना, वोटर लिस्ट को अपडेट करना। वोटर लिस्ट का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ वोटर लिस्ट, वोटर लिस्ट का अनदर नेम की बात करें, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोल रोल, इलेक्ट्रोल रोल के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग जानते हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो हमारी वोटर लिस्ट होती है, वोटर लिस्ट प्रिपेयर की जाती है, वोटर लिस्ट प्रिपेयर करने के साथ साथ इलेक्शन कमीशन के द्वारा EPIC, फुल फॉर्म भी याद रखें, EPIC क्या होता है, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, यानी कि चुनाव में हमें फोटो आइडेंटिटी कार्ड भी प्रोवाइड किया जाता है। आप लोग जब वोट डालने के लिए जाते हैं तो वोट डालने के लिए ये मैंडेटरी होता है कि आपको EPIC यानी कि इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड अपने साथ लेकर जाना होता है। कई बार क्या होता है कि EPIC के स्थान पर हम लोग दूसरी जो हमारी ID होती है, लाइक दैट राशन कार्ड, यू कैन से यूर आधार कार्ड, आप लोग ये भी यूज कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, EPIC। बट जो इलेक्शन कमीशन है उसने कहा कि जब भी वोटर लिस्ट जो वोट डालने के लिए जो कैंडिडेट जाते हैं उनको EPIC यानी कि इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड यूज करना चाहिए। अनदर आप लोग यूज कर सकते हैं आधार कार्ड है, जैसे राशन कार्ड है, अगर आप बात करें ड्राइविंग लाइसेंस होता है, दैट आर द बेसिक प्रूफ ऑफ यू। सो दैट इज अबाउट द EPIC, यू मस्ट हैव टू बी रिमेंबर अबाउट द फुल फॉर्म ऑफ EPIC, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, इट इज कॉल्ड इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड कहा जाता है इसे, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड स्टेप के बारे में, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट देखें यहाँ पर, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट यानी कि जो कैंडिडेट होते हैं वो अपना नॉमिनेशन करते हैं, नामांकन करते हैं, नामांकन करने की जो प्रक्रिया होती है, नामांकन किया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट। जैसा कि हम लोग जानते हैं वी हैव टू बी फॉलो डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को हम लोग फॉलो करते हैं,
ओनली डिफरेंस इज दैट इन ऑर्डर टू ए कैंडिडेट द मिनिमम एज इज 25 ईयर व्हाइल इट इज ओनली 18 ईयर फॉर बीइंग ए वोटर। कहते हैं कि जो मिनिमम एज होती है चुनाव लड़ने के लिए वो 25 ईयर्स होनी चाहिए। अगर हम बात करें यहाँ पर लोकसभा के चुनाव की तो मिनिमम एज 25 ईयर्स होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं हम लोग, कोई भी कैंडिडेट यदि चुनाव कंटेस्ट करना चाहता तो उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन होती है। मेनली इसमें हम एज फैक्टर को याद रखते हैं। अगर लोकसभा के चुनाव की बात करें, लोकसभा के चुनाव के लिए 25 ईयर्स होना चाहिए, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 ईयर्स होना चाहिए। दैट आर दी एज डिफरेंस, अदरवाइज मोस्ट ऑफ दी क्वालिफिकेशन आर सेम। लाइक दैट ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ही शुड नॉट होल्ड एनी प्रॉफिटेबल ऑफिस, ही शुड नॉट डिक्लेयर मेंटली डिसेबल और बैंकरप्ट। सारी की सारी जो हमारी क्वालिफिकेशन है वो सेम रहती है, सिर्फ एज फैक्टर को छोड़ के। वोट डालने की जो एज होती है वो 18 ईयर डिसाइड की गई है, चुनाव लड़ने की जो एज है वो 25 ईयर डिसाइड की गई है। अगर हम इलेक्शंस की बात करते हैं तो देखिए नॉमिनेशन कैसे करते हैं हम लोग। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पार्टी टिकट प्रोवाइड करती है, जिसे हम लोग पार्टी टिकट के नाम से जानते हैं। पार्टी नॉमिनेशन इज ऑफन कॉल्ड पार्टी टिकट। कहते हैं कि पार्टी के नाम पर जब नामांकन दिया जाता है उसे हम लोग पार्टी टिकट कहते हैं। जनरली हम लोग देखते हैं, मान लीजिए किसी व्यक्ति को बीजेपी ने कोई टिकट दिया तो वो जो नॉमिनेशन करता है वो अपने नाम से नहीं बल्कि पार्टी के नाम से नॉमिनेशन करता है, इसलिए उसको हम लोग पार्टी टिकट कहते हैं, पार्टी टिकट कहते हैं। कुछ कैंडिडेट होते हैं वो इंडिपेंडेंट भी चुनाव लड़ सकते हैं यदि कोई पार्टी को टिकट प्रोवाइड नहीं करती। एवरी पर्सन हु वॉन्ट्स टू कंटेस्ट इलेक्शन टू फिल नॉमिनेशन फॉर्म एंड डिपोजिट सम मनी एज सिक्योरिटी। कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो चुनाव लड़ना चाहता है, चुनाव लड़ने की क्वालिफिकेशन रखता है, चुनाव लड़ना चाहता है, इलेक्शन में भाग लेना चाहता है, फिल नॉमिनेशन फॉर्म, उसे अपना नॉमिनेशन फॉर्म नामांकन जो पत्र होता है वो फिल करना होता है पहले, एंड डिपोजिट सम मनी एज ए सिक्योरिटी, और कुछ पैसे भी उसे सिक्योरिटी के रूप में जमा कराने होते हैं। यानी कि जो सिक्योरिटी होती है सिक्योरिटी को बाद में वापस भी कर दिया जाता है, रिफंड कर दिया जाता है, लेकिन सिक्योरिटी के रूप में उस कैंडिडेट को कुछ पैसे भी डिपॉजिट कराने होते हैं। कोई भी व्यक्ति जो चुनाव लड़ना चाहता है, कंटेस्ट करना चाहता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इलेक्शन कैंपेन। सबसे पहले इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी तैयार की गई, वोटर लिस्ट प्रिपेयर की गई, नॉमिनेशन कैंडिडेट ने कर दिया। नॉमिनेशन होने के बाद जो अगला स्टेप होता है वो कौन सा होता है? इलेक्शन कैंपेन, यानी कि चुनाव प्रचार। आप लोग जानते हैं इलेक्शन हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है, हर कैंडिडेट चाहता है कि वो चुनाव में विनर रहे। चुनाव में विनर रहे नॉमिनेशन करने के बाद, यानी कि कई सारी कंपल्सन होती है उनके ऊपर, और उन कंपल्सन के साथ साथ इलेक्शन कैंपेन भी करना शुरू करते हैं। इन अवर कंट्री सच कैंपेन टेक प्लेस फॉर ए 2 वीक पीरियड बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट एंड डेट ऑफ पोलिंग। अगर हम जनरली बात करें यहाँ पर इलेक्शन कैंपेन की, द अनाउंसमेंट ऑफ फाइनल लिस्ट, जो अनाउंसमेंट होती है फाइनल लिस्ट, जो मेंबर होते हैं जो चुनाव लड़ेंगे उनकी लिस्ट के अनाउंसमेंट होने के बाद, यानी कि और जो डेट होती है पोलिंग डेट होती है, यानी कि 2 वीक तक, यहाँ पर ध्यान रखें 2 वीक, यानी कि जो 2 सप्ताह होते हैं हमारे 2 सप्ताह तक यानी कि प्रचार करने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि जनरली हम 2 वीक तक प्रचार करती है पोलिटिकल पार्टी, बल्कि बहुत सारी पोलिटिकल पार्टी तो बहुत समय पहले प्रचार करना शुरू कर देती है। इस तरह से जनरल अगर हम बात करें तो 2 वीक पहले नॉमिनेशन कैंडिडेट की लिस्ट फाइनल होने से लेकर जो चुनाव होता है, चुनाव की जो फाइनल पोलिंग होती है, मतदान दिवस होता है, उस दिन तक के बीच में जो 2 वीक्स होते हैं उसमें खूब प्रचार करती है पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, यानी कि खूब सारा प्रचार किया जाता है। मेन का एक ही एजेंडा रहता है किसी भी कीमत पर चुनाव को जीतना। ड्यूरिंग दिस पीरियड द कैंडिडेट का कॉन्टेक्ट देयर वोटर पॉलिटिकल लीडर एड्रेस इलेक्शन मीटिंग करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी मोबालाइज देयर सपोर्टर। कहते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो अपने सपोर्टर की मदद प्राप्त करना चाहती है। दिस इज ऑल्सो पीरियड वेन न्यूज पेपर एंड टेलीविजन न्यूज आर फुल ऑफ इलेक्शन रिलेटेड स्टोरीज एंड डिबेट, बट इलेक्शन कैंपेन इज नॉट लिमिटेड टू those 2 week only. Political parties start preparing for election month before they usually take place. In election campaign, political party try to focus public attention on some big issues. They want to attract the public to that issues that get them vote for their party on the basis. Let's look some of the successful slogan given by the different political party. यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कुछ slogans के बारे में, यानी कि हर political party क्या करती है, meeting करती है, campaign चलाती है अपनी, और कहीं ना कहीं वो प्रचार करने का प्रयास करती है। यहाँ पर हम कुछ पॉलिटिकल पार्टी के स्लोगन्स की बात करते हैं। यहाँ पर सम सक्सेसफुल स्लोगन गिवन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, यहाँ पर कुछ स्लोगन दिए गए, कुछ नारे लगाए गए हैं और ये नारे काफी फेमस रहे हैं। अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले हम लोग बताते हैं, इसमें सबसे पहले गरीबी हटाओ जो स्लोगन है किसके द्वारा दिया गया था, इंदिरा गांधी के द्वारा, यू कैन से
इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो आईएनसी पार्टी हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इंदिरा गांधी जी ने लोकसभा इलेक्शन 1971 में जो लोकसभा इलेक्शन हुए उस समय पर नारा दिया, बाद में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था 1971 के लोकसभा इलेक्शन में। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट स्लोगन दैट वाज गिवन बाय इंदिरा गांधी जी। एंड द नेक्स्ट इज सेव डेमोक्रेसी, सेव डेमोक्रेसी, लोकतंत्र बचाओ, जनता दल जो पार्टी थी, जनता दल पार्टी के द्वारा ये स्लोगन दिया गया था सेव डेमोक्रेसी जनता दल इन नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन इन 1977। ये 1971 में दिया, जो अगला नारा दिया गया जो अगले इलेक्शन थे वो 1977 में दिया, पर 1977 में स्लोगन दिया गया 1971 के बाद, यानी कि जनता दल के द्वारा स्लोगन दिया गया सेव डेमोक्रेसी लोकतंत्र बचाओ, यानी कि लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया गया था। ये भी हमारा लोकसभा के इलेक्शन में दिया गया था। The party promised to undo the excesses committed during emergency and restore civil liberty. And the next slogan is given by Left Front, Land to the Tiller. यहाँ पर लिखा हुआ है अपना third slogan, Land to the Tillers. यानी कि जो tillers हैं, जो भूमिहीन लोग हैं, वो Left Front जो पार्टी थी, Left Front पार्टी जो West Bengal से belong करती है, उसके द्वारा slogan दिया गया था। लेकिन ये slogan जो दिया गया था लोकसभा election में नहीं दिया गया था, ये slogan दिया गया था कब दिया गया था, असेंबली इलेक्शन में, बंगाल के अंदर जब असेंबली इलेक्शन हुए 1977 में, तब ये स्लोगन दिया गया था लैंड टू द टिलर। एंड नेक्स्ट स्लोगन इज प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगु, प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगु, यानी कि जो तेलुगु हैं, तेलुगु जो लोग थे, उनके आत्मसम्मान को बचाने के लिए जो स्लोगन दिया गया वो दिया गया था तेलुगु देशम पार्टी के द्वारा। तेलुगु देशम पार्टी गिवन स्लोगन प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगु। और एनटी रामाराव जी थे जिन्होंने इलेक्शन दिया था आंध्र प्रदेश की जो असेंबली इलेक्शन थे 1983 में, तब ये स्लोगन दिया गया था। यानी कि पॉलिटिकल पार्टी जब अपना प्रचार करती है तो प्रचार करते समय कुछ ना कुछ वो अपना कैंपेन लेकर आती है, कोई ना कोई अपना स्लोगन देती है जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा था इसमें हरियाणा की असेंबली इलेक्शन के बारे में हमने फर्स्ट वीडियोस में बात की थी, तो वहां पे आपने कंप्लीटली देखने को मिला कि किस तरीके से जो वायदा किया था लोकदल पार्टी ने, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो चौधरी देवीलाल जी की पार्टी थी, उसने वायदा किया था कि अभी हमारी गवर्नमेंट बनी, जो फार्मर्स हैं, स्मॉल बिजनेसमैन हैं, उनके हम लोग लोन माफ करेंगे, और उन्होंने किए भी। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्लोगन होता है, जैसे गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी जी ने 1971 के लोकसभा इलेक्शन में दिया, सेव डेमोक्रेसी का नारा जनता दल 1977 के लोकसभा इलेक्शन में दिया गया, और यहाँ पर लैंड टू द टिलर, यानी कि जो टिलर्स हैं उनको लैंड दी जाए, लेफ्ट फ्रंट पार्टी है बंगाल में जब असेंबली इलेक्शन में, तो तब ये स्लोगन दिया गया।